सोरा क्लास में शर्म नहीं आती तुझे? अजय मास्टर जी आंख सी लग गई थी, आंख सी लग गई थी कही हो? रात को घर में नहीं सो करता जो यहाँ खर्राटे तोड़ रहा तू? अजय मास्टर जी सो दो रात को भी बतेरा, पर क्लास के शांत वातावरण में सोने का ही मजा कुछ और है। चुप कर बदतमीज। वैसे इस स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब होती जा रही, ऊपर तक तेरे जैसे नालायक मेरी नौकरी छुड़वा कर आएंगे। मास्टर जी एक बात बताऊं तो मैं, मेरे जैसे नालायकों की वजह से ही नौकरी बच रही थारी बोलो, अन्नी बोलो तो टंग लेते दम। क्यों ऐसा क्या कर दिया मन्ने? अरे मास्टर जी जैसे थारे कारनामे है नी, उस हिसाब से तो थारी सात पुस्तों की नौकरी जब्त कर लेनी चाह सरकार को। क्यों? अरे मगर रहने दो ना, मुंह खुलवा मेरा। नहीं आज तो तू अपना मुंह खोली दे, मैं भी तो देखूं तेरे दिमाग में मेरे खिलाफ क्या क्या गंदगी भरी पड़ी। अगर ऐसा है तो सुनो मास्टर जी, जब तक स्कूल में वो नवी मैडम आई नी, जब तक थारे दिमाग में गोबर भर गया बिल्कुल, उसी के पीछे पीछे पागल हो रही है तुम बिल्कुल। अरे नहीं नहीं बेटे ऐसी बात नहीं, ना ऐसी बात नहीं है। तुम जब तो पढ़ाने में इतना टाइम नहीं देते जितना उस मैडम के हालचाल पूछने में ध्यान रहता था। बेटे तो भी जाकत है, इन ज्यादा गंदी संदी बातों में ध्यान नहीं दे करते। रहने दो मास्टर जी मुझे सारा पता, रहने दो, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मास्टर जी थारी इस नीच हरकत की वजह से इस क्लास के सारे बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए, ये देखो पीछे सारे के सारे मेज खाली पड़ी। चुप कर बदतमीज, अपने अध्यापक तक जबान लड़ा पागा। ए मास्टर, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, पता मैं कौन हूँ? हाँ पता मुझे, ये स्कूल थारे अंकल जी का है कुंवर साहब। पता ना बेटे, तू तो बुरा मान गया बेटे, मैं तो तुझे नु कह रहा था अपनी पढ़ाई सढ़ाई पर ध्यान दे, इन गंदी संदी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दे करते, नु कह रहा था बस मैं तो। अरे पढ़ाई पर तो मास्टर जी मैं आजकल ढेर ध्यान देने लगा। अच्छा जो कल मन ने सवाल दिए थे सबके जवाब याद करके लिया तू? हाँ जी मास्टर जी, सारे सवालों का तुम्हें एक एक सटीक जवाब मिलेगा, तुम पूछो तो सही। अच्छा तो फिर एक सवाल का जवाब दे, जिस आदमी को सुनाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे? अरे उसे तो कुछ भी कह दो साले, उसे कौन सा कुछ सुनाई देने लग रहा। बहुत बढ़िया, सही लाइन पे जा रहा। अच्छा बेटे एबीसी सुना, ए बी सी। और सुना? और सब बढ़िया, तुम सुनाओ। अच्छा बेटे नु बता, दारू भी पीक रहे तू? अजी टाइम तो अभी हुआ नहीं, पर तारा ज्यादा जी कर रहा तो लिया, हम भी लगा लेंगे एक दो पे। चुप कर बदतमीज। ए मास्टर, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, पता मैं कौन हूँ? अजी पता मुझे कुंवर साहब, कितनी बार याद दुआओगे, ये स्कूल थारे अंकल जी का ही है, पता मुझे, तुम कुछ भी करवा सको। तो क्या इन सवाल हम करेंगे और जवाब तुम दोगे? हाँ पूछ, मुझे सब पता, मैं अध्यापक हूँ। कुत्ता एक टांग खा के क्यों मुत्तक रहे? कुत्ता टांग खा के क्यों मुत्तक रहे? अरे कैसा सवाल, गधा घोड़ी को खुश करने का तब की सब तक जा सके? गधा घोड़ी तो, अरे गधा घोड़ी तो भैंस कलवारा कितने दिन में भी हालाक हो जा। कलवारा, अरे भैंस कलवारा। बिग्गी हुई लकड़ियों को जलाने का तब कितनी देर लोग फूक मारनी पड़े? अरे मेरे बाप, मुझे कस दे, मुझे नहीं पता। मास्टर जी एक बात और सुन लो मेरी। हाँ बता बेटे। मन्ना थारे सारे सवालों के जवाब दिए, तन्ना तो सारे सवालों के जवाब दिए, और थर पे मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब तुम्हें इस स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज ही अपने अंकल जी को फोन करके मैं आज ही डिसमिस करवाऊंगा। हे भगवान।